वेलकम इन्वेस्टर्स अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 3 अप्रैल 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम टाटा मोटर्स के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और उसी के साथ बात करेंगे एक लेटेस्ट न्यूज की जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। टाटा मोटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब हम गए तो वहां पे हमने देखा कि टाटा मोटर ने अनाउंस किया है कि जो फोर्थ क्वार्टर था 2021 का, उसमें उनके जो सेल्स है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। टोटल डोमेस्टिक सेल की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2020 तक 66,609 का सेल ये लोग अब तक कर चुके हैं और अगर इस सेल को हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ में कंपेयर करेंगे मार्च 2020 के, तो जहां पर 11,012 का इनका सेल्स था, ये 505% का चेंज यहां पर हुआ है। और अगर हम देखेंगे कमर्शियल व्हीकल डोमेस्टिक सेल्स क्वार्टर फोर 98,966 यूनिट, यानी 20% हायर हुआ है प्रीवियस क्वार्टर के साथ में। जो दिसंबर का क्वार्टर था उस क्वार्टर के कंपेयर में अगर हम क्वार्टर फोर के रिजल्ट को यहां पर कंपेयर करते हैं तो यहां पर प्रीवियस क्वार्टर 20% अप सेल हुआ है। अब ये जो खबर है बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन पे कैसे पड़ता है, मार्केट इस चीज को कैसे लेता है, तो वो देखेंगे हम चार्ट पे और वहां पर देखेंगे कि किस तरीके का। यहाँ पर अगर हम देखेंगे न्यूज सेक्शन में, ये जीरोदा का न्यूज सेक्शन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टाटा मोटर्स आइडियली प्लेस टू एम डोमिनेंट पोजिशन शुड गेट अग्रेसिव। तो यहाँ पे 1 आवर्स अगो इकोनॉमिक टाइम का ये लेटेस्ट न्यूज है। 18 आवर्स अगो का अगर हम न्यूज देखेंगे तो टाटा मोटर्स कंप्लीट सेल टू डिफेंस बिजनेस टू टाटा एडवांस सिस्टम, जो कुछ महीनों पहले ही टाटा ने ये सिस्टम लॉन्च किया था। अब चलते हैं हम चार्ट की ओर और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से इस बड़ी खबर को जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो ले सकते हैं। ये टाटा मोटर्स का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो 2015-16-17 से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, लगातार स्टॉक एक लोअर लो बना रहा था, लेकिन ऑन इस मंथली चार्ट पे ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो ब्रेक हो चुका मंथ ऑफ नवंबर में और यहां से हमें एक अपसाइड जर्नी ये स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक डिमांड जोन बना जो कि 188 से लेकर तो 166 का है और अगर आप लास्ट थ्री मंथ के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है वो एक हाई प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इस मंथली चार्ट पे सप्लाई को भी देख लेते हैं कि कहां पर सप्लाई है। तो अभी जो इस स्टॉक का प्राइस हमने देखा कि इसमें बहुत 2016 and 2015 में स्टॉक ने ऑन अ मंथली बेसिस पे डबल टॉप का फॉर्मेशन किया और इसी का ब्रेकआउट हुआ था इस सपोर्ट पे 303 पे और स्टॉक ने एक लो प्राइस पे ट्रेड किया 61.62। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ 371 से लेके तो 325 का एक मंथली सप्लाई है, तो देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कि ये मंथली जो सप्लाई है वो कितना टाइम इस स्टॉक को होल्ड कर पाएगा या फिर स्टॉक इस मंथली सप्लाई को फोर्सफुली ब्रेक करके फिर से एक नए हाई प्राइस पे ट्रेड करेगा। तो उसके लिए चलते हैं हम वीकली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उनका बाइंग यहाँ पर हमें 189 से होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी के चलते स्टॉक ने बहुत ही कम, यानी आप अगर देखेंगे तो 4 to 5 week के ट्रेडिंग सेशन में 199 से 324 के एक हाई प्राइस पे ट्रेड किया है। अब हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो अप हो चुका है, तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट टू लोज है उन्हें कनेक्ट करेंगे और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि मैंने इन टू लोज को कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे और वहां देखेंगे कि किस तरीके के प्राइस एक्शन आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक मंथली सप्लाई के जस्ट मुहाने पे और उसके इनसाइड भी एक वीकली सप्लाई है 354 से लेकर तो 321। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि ये वीकली सप्लाई
हमें प्राइस आने के बाद हमें किस तरीके के प्राइस एक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए चलेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स डेली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, और उसी के साथ अगर हम लास्ट 4 to 5 days का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो एक वीकी स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिमांड सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर एक डिमांड जोन है और एक सपोर्ट प्राइस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये वो डिमांड जोन है ऑन अ डेली बेसिस पे, जो कि 274 से लेके तो 260 का है। और जबकि हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस अपसाइड गया और यहाँ पर बहुत दिनों तक उसने कंसोलिडेशन किया। इसके कंसोलिडेशन के बाद जिस तरीके के बड़े इन्वेस्टर्स का मूवमेंट इस स्टॉक में था, तो उसके चलते यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ उसका ब्रेकआउट एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमें देखने को मिला। तो स्टॉक ने इस सप्लाई को ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पर बनाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक ने ये जो लो था, जो कि 301 का ये जो लो था, इसे ब्रेक किया और ब्रेक करके ऑन अ डेली बेसिस पे हमें क्लोजिंग देखने को मिला। यहाँ से ये जो वीकली ट्रेंड लाइन जा रहा है तो उसका सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अप मूव तो हमें दिखाया, बट यहाँ अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग जो कॉन्फिडेंट जिसे हम कहेंगे वो बुलिशनेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। स्टॉक का प्राइस लगभग 322 326 यहाँ तक आने के बाद फिर से हमें एक डाउनसाइड फॉल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक नीचे नहीं भी आया तो फिर से हमें स्टॉक में एक साइडवेज ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। मंथ ऑफ अप्रैल मई तक हमें साइडवेज ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और फिर से स्टॉक ऑन अ डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये एक डिमांड जोन है जो कि 272 से लेकर तो 258 का है। इस डिमांड जोन में सिक्योर बाइंग हम कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट भी है, क्योंकि जब स्टॉक एक अपसाइड जर्नी कर रहा था तो यहाँ पे भी स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस का सामना किया और इसके 3 days के ट्रेडिंग सेशन के बाद में एक अपसाइड मूव दिया और ऑन रिट्रेसमेंट पे सेम वही प्राइस पे सपोर्ट लेके फिर से एक नया हाई बनाया था। तो ये जो एरिया है 273 से लेके तो 260 का, दैट इज अ डिमांड जोन ऑन अ डेली डिमांड जोन विथ सपोर्ट। तो यहाँ से हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये था टाटा मोटर्स का डिमांड सप्लाई सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।